पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के फिर तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर पहली से आठवीं तक निजी व सरकारी सभी स्कूलों को बंद रखने का नागपुर प्रशासन का फैसला, पालक मंत्री नितिन राउत ने दी जानकारी। नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में फिर मिले 404 कोरोना पॉजिटिव। बढ़ते आंकड़ों से प्रशासन ने दिए कड़े नियम लागू करने के आदेश। और महाराष्ट्र के सभी कॉलेजों को भी 15 फरवरी तक बंद रखने के शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ऑनलाइन क्लास शुरू रखने की बात। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के फिर तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर पहली से आठवीं तक निजी व सरकारी सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला नागपुर प्रशासन द्वारा लिया गया है। इस संबंध में पालक मंत्री नितिन राउत ने विविध मुद्दों पर मीडिया से बातचीत भी की। अभी तीसरी लहर भी भारत में आ चुकी है और उससे हमारा प्रदेश भी झुलस चुका है उसमें, और नागपुर शहर भी और जिला भी हम उसमें आ रहा है। ऐसे वक्त हमारे जिले के सभी नागरिक भाइयों बहनों से मेरी विनंती रहेगी कि अपनी जान बचेगी तो अपन और ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, तो इसलिए पहले हमने हमारी जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यह जो ओमाइक्रॉन यहाँ पर आया हुआ है, यह ओमाइक्रॉन जो है यह बहुत स्पीडीली बढ़ रहा है, उसकी बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से हम लोगों ने उसको रोक लगाने के कुछ निकष बनाए हैं। उस निकष के अनुसार हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने देखा हो कि इस सीज़न में सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी गिरने का जो भी परिणाम है वो आदमी छींकता है या उसका आवाज़ से, उस खांसी के आवाज़ से बाहर जाता है तो उससे स्प्रेड हो सकता है अगर उसने पकड़ लिया होगा डिसीज़ ने, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ यहाँ पर चीज़ें करना चाह रहे हैं, जिसमें स्कूलें हम पेरी अर्बन तक के 1 से 8 तक के जो कक्षा है उसको कुछ दिनों के लिए बंद करने जा रहे हैं, और शासकीय और नीम शासकीय और प्राइवेट की जो कार्यालय है उसमें RT-PCR बंधनकारक होंगे। जिस प्रकार से विधानसभा में हम 2 वैक्सीनेट होने के बावजूद भी हमको RT-PCR कराकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंदर जाने दिया गया, उस प्रकार से बंधन यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग कार्यालय में आते हैं, उनकी भी हमको सुरक्षा करना जरूरी है। 24 घंटा हमारा कर्मचारी काम करता है, चाहे पुलिस हो चाहे। नागपुर जिले में फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुधवार को नागपुर जिले में फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। पिछले 24 घंटे में 404 संक्रमित मिलने से प्रशासन में खलबली मची है। तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ने से लोगों में डर नजर आ रहा है, तो कुछ लोग अब भी बेफिक्र होकर घूमते नजर आ रहे हैं। आज मिले संक्रमितों के साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 1076 पर जा पहुंची। इनमें से शहर के 906, ग्रामीण के 126 और जिले के बाहर के 44 मरीज हैं। शुरुआत से अब तक जिले में 4,94,926 संक्रमित मिले हैं। जिले में मृतकों की संख्या 10,123 पर स्थिर बनी हुई है, जबकि बुधवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज भी मिले हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 12 हो गई है। बुधवार को ग्रामीण में 126 पॉजिटिव मिले, तो वही शहर में 906 और जिले के बाहर के 44 संक्रमित मिले हैं। ऐसे में एक दिन में ही कुल 404 पॉजिटिव के इस डराने वाले आंकड़े से प्रशासन भी चिंतित है, लेकिन कई जगह लोग बेफिक्र होकर बगैर मास्क के घूम रहे हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा सख्त पाबंदियां लगाई गई है। कोरोना महामारी के चलते राज्य के कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है।
सभी गैर कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रखे जाएंगे। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने दी। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के कॉलेजों को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज्य के सभी गैर कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 15 फरवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षाएं 15 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ये फैसला सभी निजी विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा। नक्की कोरोनाची परिस्थिती काय आहे, ओमायक्रॉनची परिस्थिती काय आहे याचा देखील आम्ही आढावा घेतला। वसतिगृहांची परिस्थिती काय याचा देखील आम्ही आढावा घेतला। नक्की परीक्षा कुठच्या कुठच्या सुरू आहेत, कुठच्या परीक्षा शिल्लक राहिलेल्या आहेत, अंतिम परीक्षा कधी आहे त्याचा देखील आम्ही आढावा घेतला। आणि हा आढावा घेतल्यानंतर जो उद्देश माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी आम्हाला सांगितलेला होता की विद्यार्थी असतील किंवा या संपूर्ण प्रक्रियेतले घटक असतील यांची सुरक्षितता ही महत्त्वाची आहे आणि म्हणून काही निर्णय हे आम्ही घेतलेले आहेत आणि या निर्णयाप्रत आम्ही आलेलो आहोत। त्यातला पहिला प्रमुख निर्णय जो आहे तो सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे, तंत्रनिकेतन तसेच विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालय हे वर्ग 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीमध्ये आम्ही सर्वांनी एकमताने निश्चित केलेला आहे। आणि 15 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्वी जसं ऑनलाईन सिस्टीमवर एज्युकेशन सुरू होतं, शिक्षण सुरू होतं, अशा पद्धतीचं शिक्षण सुरू ठेवावं, अशा पद्धतीची भूमिका सगळ्या विद्यापीठांनी घ्यावी असं कालच्या बैठकीमध्ये आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का बुधवार को पुणे के थोसरपगा कब्रिस्तान में महानुभव संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। अनाथों की मां के नाम से मशहूर बुजुर्ग सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके जाने से सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर छाई है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री सिंधुताई सपकाल का बुधवार को पुणे के थोसरपगा कब्रिस्तान में महानुभाव संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। अनाथों की मां के नाम से मशहूर वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बुधवार दोपहर पुणे के नवीपेट में थोसरपगा कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बजाय उनके शव को दफना दिया गया। सिंधुताई सपकाल को महानुभाव संप्रदाय में दीक्षित किया गया था। उस संप्रदाय में मृत्यु के बाद दफनाने की प्रथा शामिल है। सिंधुताई चाहती थी कि उनका दाह संस्कार इसी पंथ की परंपरा के अनुसार हो, इसलिए उनके शव को दफना दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आधिकारिक सम्मान में सिंधुताई का संस्कार करने का आदेश दिया था। इसी के तहत उन्हें अंतिम सलामी दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान श्री चक्रधर स्वामी के नाम का जाप शुरू हुआ, साथ ही श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ किया गया। सिंधुताई को अलविदा कहते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए, साथ ही सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर छाई है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।
आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। ऐसे में किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले से ही किसानों को अलर्ट रहने का इशारा दे दिया है। इससे पहले भी बेमौसम बारिश होने से किसानों का काफी नुकसान हुआ था। राज्य में एक बार फिर बेमौसम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने 6 से 9 जनवरी के बीच महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। ठंड के साथ ही राज्य में एक बार फिर बेमौसम बारिश की सूचना दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 से 9 जनवरी तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऐसे में किसानों ने पहले से ही खेत संबंधित कार्य पूरे कर लेने चाहिए। बुढ़ाना में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद पैसे न देते हुए कार लेकर भागने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस मामले में स्विफ्ट चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्विफ्ट कार में पेट्रोल भरकर पेट्रोल के पैसे न देते हुए गाड़ी लेकर फरार होने की घटना मंगलवार रात खामगांव नांदूरा रोड पर घनश्याम ऑटो सर्विस आमसरी के पेट्रोल पंप पर घटी। इस प्रकरण में स्विफ्ट चालक के विरोध में मामला दर्ज किया गया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। कार नंबर की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये नंबर एक ट्रैक्टर का है, इसलिए कार भी चोरी होने का खुलासा हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, साथ ही कार चालक की तलाश भी जारी है। मकर संक्रांति के मद्देनजर नायलॉन मांजा अवैध रूप से शहर में बिक रहा है, इसीलिए पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध मांजे पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं गणेशपेट, पांच पावली, नंदनवन तहसील और सक्करदरा पुलिस ने अवैध रूप से मांजा विक्रेताओं पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मांजा विक्रेताओं पर धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है। गणेशपेट, पाचपावली, नंदनवन तहसील और सक्करदरा पुलिस ने अवैध रूप से मांजा विक्रेताओं पर कार्रवाई कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध मांजे के बंडलों के साथ करीब 2 लाख का माल जब्त किया। कार्रवाई किए जाने से अवैध मांजा व्यापारियों में डर का माहौल है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जाँच जारी है। नरखेड़ तहसील के खंडाला गांव में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू था। इसी बीच सरपंच ने आकर अचानक कर्मचारियों से मारपीट की। इसी के विरोध में और सरपंच को निलंबित करने की मांग करते हुए आंदोलन किया गया। टीकाकरण के दौरान करीब 15 किशोरों का वैक्सीनेशन हो गया था। इसी बीच अचानक खंडाला गांव के सरपंच आए और कहने लगे कि किसके परमिशन से टीकाकरण शुरू किया गया और गाली गलौज शुरू की, जिसके बाद प्रवीण धोटे आरोग्य सहायक प्राथमिक आरोग्य केंद्र भिष्णुर को और कोविड लसीकरण वाहन के ड्राइवर से मारपीट की। साथ ही आरोग्य सेविका श्रीमती गजबे को गाली गलौज की, जिसके बाद डॉक्टर किशोर ढोबले ने इस संबंध में सरपंच से मोबाइल पर पूछताछ की तो उन्होंने उन्हें भी गाली गलौज की। इसके विरोध में सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन कर सरपंच को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। आज जो आमच्या कर्मचाऱ्यावरती जो हॅड हल्ला झालेला आहे त्याचा एक निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही इथे सगळं आरोग्य कर्मचारी संघटना सगळ्या संघटना एकत्र झालेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने आम्ही या जो प्रकरणाचा जो हॅड हल्ला झाला या प्रकरणाचा आम्ही तिथे निषेध नोंदवतो आणि अशी मागणी आहे आमची की या ज्या ज्या कोणी हा गुन्हा केला ज्यांनी कोणी या आमच्या कर्मचाऱ्यावर हॅड हल्ला केला त्याला कायद्याच्या चाकुरीतून अटक व्हायला पाहिजे, अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे आणि अशाच प्रकारचे जर भ्याड हल्ले समाजामध्ये आमच्या कर्मचाऱ्यावर जर होत गेले तर कायदेशीर माध्यमानं सरकारनंसुद्धा याच्यावर बंधनं लादली पाहिजे आणि मी विनंती करतो शासनाला की जो ज्यांनी कोणी हा गुन्हा केला त्याला जामीन मिळू नये, त्याला शेवटपर्यंत तो त्या जेलमध्येच राहायला पाहिजे। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।